गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? कल मैं सांझ में आपको क्रिया विशेषण का भेद बतला रहे थे, उन भेदों को मैंने बतला दिया था। और क्रिया विशेषण में कुछ शब्द आते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, आज इन शब्दों को मैं बतलाऊंगा। आइए पहले जाने ये है क्या। ये शब्द एक अर्थक शब्द दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतर है। जैसे अब, अभी, तब, फिर, ही, भी, न, नहीं, मत आदि। आइए अब समझे। अभी अभी दोनों कालवाचक विशेषण है, लेकिन अब से कहने का मतलब अब से वर्तमान के अनिश्चित और अभी से निश्चित का शब्द का बोध होता है। ठीक है, बोध होता है। जैसे वह अब जाएगा, हो सकता है कुछ देर बाद जाएगा, हो सकता है। अगला तब फिर। तब और फिर शब्द का अंतर समझिए। दोनों शब्द कालवाचक विशेषण है, फिर भी दोनों में अंतर है। तब का अर्थ उस समय या उस वक्त, फिर का अर्थ एक बार या दोबारा या पुनः होता है। जैसे उसने तब परीक्षा दी, जब तैयारी हो गई तब परीक्षा दी। फिर मोहन फिर आया, एक बार आया और फिर दोबारा आया, इस बात में ये बता रहा। तीसरा ही भी। ही का व्यवहार किसी बात पर जोर देने के लिए या निश्चय, अल्पता, स्वीकृति आदि सूचित करने के लिए होता है। भी का प्रयोग न्यूनता, अवश्य, निश्चित, निश्चय, जरूर आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे इसे राम ही कर सकता है, दूसरा नहीं, निश्चय है। और ये बल दिया जा रहा है इस वाक्य में। इसे राम भी कर सकता है, दूसरों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अगला है नो, नहीं, मत, तीन शब्द का प्रयोग। ये सब निषेधवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन तीनों के अर्थ में अंतर है। आइए हम इसको समझे। न का मतलब हुआ, न का प्रयोग हल्का निषेध हुआ, थोड़ा मनाही हुआ। और नहीं का प्रयोग थोड़ा विशेष मनाही हुआ। और मत का प्रयोग एकदम पूरे रूप में मनाही हो गया, निषेधात्मक आज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे इस किताब को न पढ़ना हल्का निषेध, निषेध मैंने इस वाक्य में बतलाया गया। इस किताब को पढ़ना पूर्ण निषेध बताया गया। इस किताब को मत पढ़ना, ये निषेध, निषेधात्मक आज्ञा हुआ। तीनों शब्दों को वाक्यों के द्वारा बतला दिया गया है। आज आप लोगों का निषेध वाचक पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद संबंध बोधक आपका जो है डिफिनेशन, उसका परिभाषा अगले वीडियो में आप लोग को बतलाया जाएगा। सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए सभी बच्चों को